फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है जो पिछला वीडियो हमने कवर किया था उसका आगे का कंटिन्यूएशन है। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था सीरियल्स। सीरियल्स जनरली क्या होते हैं, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सीरियल ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सीरियल्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड कॉम्पोजिशन हमने देखा था। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सीरियल्स की, जिसमें कि हम बात करेंगे स्पेसिफिक सीरियल्स की। तो देखिए, जनरली एक एक सीरियल के बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि उनकी अपनी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है या उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। देखिए, जैसे कि वीट है, राई है, बार्ले है, राइस है, ओट्स है, ये सब अलग अलग सीरियल्स हैं। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दिखाई गई है आपको, जहाँ पे ये बताया गया है कि मेजर क्रॉप एरिया हमारे इंडिया में कौन कौन से मेजर क्रॉप एरिया हैं। जनरली देखिए, ये जो कलर है आप देख पा रहे हैं, लाइट ग्रीन कलर जो है वो राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वीट को देखिए, ये जो लाइट ब्राउन कलर है ये वीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ज्वार की, जो कि येलो कलर जो है वो ज्वार को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाजरा जो है ऑरेंज कलर जो है वो बाजरा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा क्या हो रहा है, जो राइस है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है। देखिए, आप मैप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो राइस का प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में ज़्यादा होता है। कई जगहों पर देखिए राइस का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। तो बाकी और भी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल ये देख के हमें क्या पता लगा कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है, राइस होता है। उसके बाद जो है देखिए बेसिकली ज्वार, ज्वार की भी जो अमाउंट है वो इंडिया में काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट चलिए अब हम बात कर रहे हैं, देखिए मेजर वीट प्रोडक्शन जो स्टेट होता है, मेजर वीट का जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में वो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश करता है। और हायर एरिया जहाँ की वीट प्रोड्यूस होता है वो होता है मध्य प्रदेश। जनरली इधर रिसेंट सालों में ये चीज़ देखी गई है कि मध्य प्रदेश में जो गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ये तो आपको मैप देख के ही समझ में आ गया होगा। और इंडिया में जो टॉप थ्री इंडियन स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, 2015-16 की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो राइस का प्रोडक्शन है वो वेस्ट बंगाल करता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बाद में पंजाब। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसे रैंडम क्वेश्चन में पूछ लेता है कि वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है और राइस का प्रोडक्शन इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा करता है। और देखिए, राइस जो होता है वो मेनली ग्रो होता है इन रेन फेड एरिया दैट रिसीव हैवी एनुअल रेनफॉल, जहाँ पे पानी, वैसे भी ये हम लोग जनरली भी जानते हैं कि पानी जहाँ पे ज़्यादा बरसता है वहाँ वहीं पे राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है या राइस ग्रो जनरली ज़्यादा रेनफॉल में होता है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे वीट के बारे में। तो वीट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वीट मतलब गेहूँ, गेहूँ से बनने वाले उत्पाद क्या क्या हैं या वीट के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे हम अगर वीट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो देखिए होल वीट फ्लार जो कि हम आटा के फॉर्म में खाते हैं, मैदा है, सेमोलिना इस सूजी, मैक्रोनी प्रोडक्ट्स हैं, माल्टेड वीट है, माल्टेड वीट के बारे में आपको बताऊंगी मैं, ग्लूटामिक एसिड जो कि हम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट जो यूज़ करते हैं, ग्लूटामिक एसिड जो कि अजीनोमोटो के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी बोलते हैं, तो ये भी किससे बनता है, वीट से ही बनता है। वीट जर्म, वीट ब्रान और ट्राइटिकल की हम बात करते हैं, इनको हम आगे फर्दर देखेंगे। देखिए माल्टेड वीट, इसमें से बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप होल वीट फ्लावर आपने देखा है बहुत कॉमन यूज़ होने वाला है, मैदा भी आप जानते हैं, सेमोलिना भी, सूजी भी आप जानते ही हैं, मैक्रोनी आपने देखी है। इसमें से देखिए माल्टेड वीट की हम बात करते हैं जो शायद आपने नहीं देखा होगा। माल्टेड वीट में जनरली क्या करते हैं कि जो गुड क्वालिटी के जो ग्रेन होते हैं उनको स्टीप्ड इन कोल्ड वाटर 36 घंटे के लिए उनको वार्म क्लाइमेट में एक तरीके से हम उनकी सोकिंग करते हैं, किसमें, कोल्ड वाटर में। तो अच्छी क्वालिटी का गेहूं लेते हैं और उसको हम 36 घंटे तक भिगाते हैं और उसके बाद जो स्टीप्ड ग्रेन यानी जो भीगा हुआ जो ग्रेन होगा उसको हम स्प्रेड कर देते हैं वायर मेस पे, यानी एक तरीके से हम उसे अब क्या करते हैं थोड़ा वायर मेस पे स्प्रेड करके लिए हम उसे जर्मिनेशन के लिए छोड़ देते हैं कि हम उसमें अंकुरण हो जाए। अब देखिए जर्मिनेशन जब को अलाउ करते हैं प्रोसेस फॉर 3 डेज इन अ वार्म क्लाइमेट, तो जनरली देखिए गेहूँ में बहुत जल्दी अंकुरण नहीं होता है, तो हमें 3 दिन का समय लगता है और हमें वार्म क्लाइमेट यानी वार्म इन्वायरमेंट भी मेंटेन करना पड़ता है।
नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग जर्मिनेशन अमाइलेज एंड प्रोटीजेज आर फॉर्म्ड। अब जर्मिनेशन के दौरान क्या होता है कि अमाइलेज और प्रोटीज एंजाइम जो होते हैं वो बनते हैं, ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। जर्मिनेटेड ग्रेन इज अलाउड टू स्लो ड्राई ड्यूरिंग विच द अमाइलेज एक्ट ऑन स्टार्च हाइड्रोलाइजिंग देम। जर्मिनेशन ग्रेन यानी जर्मिनेटेड ग्रेन जो वो अनाज या वो दाने जो कि अंकुरित हो चुके हैं उस वो क्या करेंगे, अब हम उनको क्या करेंगे, स्लो ड्राई कराएंगे ड्यूरिंग विच, अब हम उनको क्या करेंगे मतलब कम टेम्परेचर पर रख के उनको हम सुखाना स्टार्ट करेंगे। अब इसके दौरान क्या होगा कि अमाइलेज एक्ट ऑन स्टार्च यानी जो स्टार्च मॉलिक्यूल है उसमें क्योंकि हमने जर्मिनेट करा दिया है तो अमाइलेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई है और वो उसको अमाइलेज जो है वो स्टार्च को हाइड्रोलाइज करने लगा है यानी उसको सिंपल फॉर्म में उसने तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब हमने क्या किया, उसको स्लो टेम्परेचर पर सुखा दिया यानी जो अंकुरित गेहूँ था उसको हमने कम टेम्परेचर पर क्या किया, उसको ड्राई कर दिया। ड्राइंग शुड बी एट लो टेम्परेचर टू कंजर्व एज मच ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी एज पॉसिबल। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा, इस वजह से एंजाइम की एक्टिविटी के लिए हमने टेम्परेचर को लो रखा है। ड्यूरिंग ड्राइंग अब क्या होगा, जब आप ड्राई करेंगे तो उस दौरान वाटर सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स एंड नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाएगा। वाटर सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्योंकि स्टार्च जो है वो सिंपल फॉर्म में चेंज हो रहा है और नाइट्रोजन यानी पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स यानी जो प्रोटीन होगा वो भी और सिंपल फॉर्म में जो है चेंज हो जाएगा क्योंकि जर्मिनेशन के दौरान हम लोगों ने पढ़ा था कि अमाइलेज और पेप्टोन्स या लाइपेज ये सब जो एंजाइम है बेसिकली अमाइलेज एंजाइम जो है वो प्रोटीजेस भी जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी इंक्रीज का मतलब उन एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है जिससे जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स हैं वो सिंपल फॉर्म में चेंज होने लगते हैं। और तो अब देखिए क्या हो गया, ये जनरली क्या हो गया, माल्टेड हो गया। अब इसको ड्राई करके इसका हमने पाउडर बना लिया, उस पाउडर को अब हम खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जनरली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि बच्चों के जो सेरेलैक वगैरह बनते हैं वो माल्टेड वीट के ही होते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर आप केवल गेहूँ का आटा देंगे तो बच्चे या जो पेशेंट होते हैं वो नहीं पचा सकते हैं क्योंकि उनकी डाइजेस्टिबिलिटी उस लेवल की नहीं होती, बच्चों की तो डाइजेस्टिबिलिटी उतनी नहीं होती है और पेशेंट का क्योंकि उनकी डाइजेस्टिबिलिटी ठीक, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप होल वीट देंगे तो उनको डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप माल्टेड वीट देते हैं तो वो ईजिली डाइजेस्टेबल होता है और प्रॉपर इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो भी बढ़ जाती है और कैरेक्टरिस्टिक्स एक माल्ट फ्लेवर भी डेवलप होता है। तो ये है हमारा माल्टेड वीट। नेक्स्ट देखिए, और जो प्रोडक्ट है उसमें हम बात करते हैं ARF यानी कि अमाइलेज रिच फूड्स की। तो ये सिंपल वही जो माल्टेड की हमने बात की थी उसी तरीके से वही प्रोसेस यूज़ करते हैं। जर्मिनेटेड सीरियल फ्लावर्स होते हैं विच आर एक्सट्रीमली रिच इन एंजाइम अल्फा अमाइलेज, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अमाइलेज रिच फूड। यहाँ पे हम बेसिकली स्पेशली ध्यान रखते हैं अमाइलेज एंजाइम के एक्टिवेट होने का, मतलब अमाइलेज का मतलब अल्फा अमाइलेज की एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ती है। ग्लूटामिक एसिड आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि ये जनरली मोनोसोडियम ग्लूटामेट या फिर अजीनोमोटो के नाम से हम क्या फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लूटामिक एसिड। अब आगे देखिए, ट्राइटिकेल क्या होता है, ये एक हाइब्रिड होता है, ये एक हाइब्रिड प्रोडक्ट होता है किसका, सीरियल का और राई का, यानी सीरियल किसी भी सीरियल को और राई के बीच में क्रॉस करके जो नया जो हाइब्रिड बनाया जाता है, नया सीरियल बनता है, उसको हम ट्राइटिकेल बोलते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं राइस की। राइस के केस में देखिए, आपको पता है राइस का जो प्राइमरी, जब हम फील्ड से राइस को लेकर आते हैं तो उसको हम पैडी बोलते हैं, पैडी या फिर हिंदी में हम बोलते हैं धान, है ना, यानी जहाँ पे ऊपर की जो कवरिंग लगी हुई होती है उसको हम बोलते हैं पैडी। तो सबसे पहले क्या होगा, वो मिलिंग होगा, है ना। मिलिंग के दौरान हम क्या करते हैं, राइस को हम पास कराते हैं दो स्टोन्स और रबर डिस्क रोटेटिंग एट डिफरेंट स्पीड, है ना, दो डिस्क या दो रबर डिस्क के बीच में या फिर हम दो स्टोन्स के बीच में हम पास कराते हैं जो कि काफ़ी स्पीडली रोटेट कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि जो ऊपर की हल होती है यानी धान की जो ऊपर की जो कवर होती है वो हट जाती है और होल कर्नल फ्रॉम विच द हल हैज़ बीन रिमूव्ड नोन एज ब्राउन राइस, है ना। अब ऐसा चावल जिसके ऊपर की हस्क आप रिमूव कर देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलते हैं ब्राउन राइस। अच्छा देखिए, पार बॉइलिंग क्या होता है, बहुत ही कॉमन टर्म है, इसको समझिए। इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्व करते हैं सोकिंग पैडी इन वाटर। पैडी का मतलब सिंपल जो होल जो फील्ड में जो चीज़ें
बन रही है वो क्या है, पैडी। जो फील्ड से जो चावल हम लेकर आते हैं, तो चावल नहीं ले आते फील्ड से, हम क्या ले आते हैं, धान, है ना, उसको हम पैडी बोलते हैं। उसको हमने क्या कर दिया, उसको सोक कर दिया वाटर में फॉर अ शॉर्ट टाइम, और फिर हमने उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे वंस और ट्वाइस इन स्टीम एंड ड्राइंग बिफोर मिलिंग, है ना। तो हम क्या, हमने क्या किया कि पहले हमने उसको रात भर सोक किया, या थोड़े टाइम के लिए हमने उसको सोक कर दिया, और उसके बाद हमने उसको स्टीम से क्या किया, हीट किया 2 से 3 बार, और हम उसकी मिलिंग कराने से पहले अब हम क्या करेंगे, उसको ड्राई कर लेंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होता है पार बॉइलिंग का, कि जो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू रिमूवल ऑफ हस्क एंड ब्रान इन मिलिंग आर डिक्रीज्ड। जनरली अगर हम मिलिंग में जा रहे, मिलिंग के लिए जा, मिलिंग में क्या होता है, ऊपर की हस्क जो है वो निकाल देते हैं, तो हस्क पे जो न्यूट्रिएंट या हस्क के नीचे की जो लेयर है ब्रान पे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमने उसको सोक किया, और फिर हमने क्या किया, सोक करने के बाद उसको स्टीम कर से एक दो बार हमने उसको हीट किया, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो कि ऊपर आउटर कवरिंग पे थे वो क्या हो गए, ग्रेन के अंदर स्टीपिन हो गए, यानी ग्रेन के अंदर आ गए। अब हम मिलिंग के लिए भेज देंगे और आउटर कवरिंग रिमूव कर देंगे, तो इससे क्या होगा, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो कम हो जाएगा। ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग द विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन हल आउटर कवरिंग ऑफ द पैडी एंड ब्रान कोट आर डिजॉल्व एंड स्टीप इन टू द एंडोस्पर्म। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई, पार्ट ऑफ द स्क्विटलम एंड जर्म विच आर रिच इन बी विटामिन्स फिक्स टू ग्रेन एंड हेंस लॉस ऑफ बी विटामिन्स आर लेस। तो जनरली ये भी होता है क्योंकि मिलिंग के दौरान हम क्या करते हैं कि ऊपर की कवरिंग हटाते हैं, कई बार जो है जो जर्म पार्ट होता है वो भी हट जाता है, और हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था और कॉम्पोजिशन एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू में देखा था कि जो भी बी विटामिन वगैरह प्रेजेंट हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है, स्क्विटलम और जर्म में। तो अब अगर हम पारबॉइलिंग करते हैं तो ये सारे विटामिन जो हैं वो ग्रेन तक स्टीपिन होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को डिक्रीज होने से बचाते हैं, या न्यूट्रिएंट का स्टीपिन करते हैं, कहाँ पर, हम ग्रेन के अंदर विद द प्रोसेस ऑफ पारबॉइलिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एजिंग की। एजिंग में देखिए, फ्रेशली हार्वेस्टेड राइस कुक्ड टू अ स्टिकी लम्फी मास स्वेल बट अ लिटिल एंड ईल अ थिक ग्रुएल्स देन ड्रॉबैक टेंड्स टू डिसअपियर एज द राइस इज स्टोर्ड फॉर अ फ्यू मंथ। कह रहे हैं कि अगर जैसे फ्रेश अगर आप ले रहे हैं राइस, जैसे कि इस सेम ईयर का, जैसे इस साल ही ग्रो हुआ और उस साल ही आप कंज्यूम करेंगे, तो देखेंगे वो राइस कैसा होता है, स्टिकी होता है, वो बनने पर सेपरेट उसके ग्रेन्स जो हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं, यानी बहुत ही लंप फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे चावल पुराना होता जाता है ना, जैसे 1 साल 2 साल पुराना होता जाता है, तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि उसके ग्रेन्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसी को बोलते हैं एजिंग, है ना। तो हम क्या प्रेफर करेंगे, तो लम्फी तो कोई भी नहीं प्रेफर करता है, तो हम लोग जनरली कैसा चावल प्रेफर करते हैं, एज्ड चावल। राइस प्रोडक्ट्स में देखिए, राइस स्टार्च होता है, राइस ब्रान होता है, राइस ब्रान ऑयल होता है, पास्ड राइस। देखिए इसमें जो है, ये आप देख लीजिए, कई बार जब टर्म्स यूज़ करते हैं तो आप लोग जानते तो रहते हैं, लेकिन आप लोग मतलब समझ नहीं पाते कि क्या कहा जा रहा है। राइस स्टार्च सिंपल ये है, राइस ब्रान यानी चावल की जो भूसी होती है, राइस ब्रान ऑयल मार्केट में आता है, पार्च राइस देखिए इसको बोलते हैं, पार्च राइस और इसके प्रोडक्ट, ये देखिए ये चूरा भी पार्च राइस प्रोडक्ट है, बाकी देखिए बासमती राइस और ये है एरोमेटिक राइस। तो इस तरीके से ये सब चावल के प्रोडक्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं ओट्स की। ओट्स देखिए, जो चीफ ओट्स प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो USA, रसिया और कैनेडा है। इंडिया में जो होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में ओट्स का प्रोडक्शन होता है। जो ग्रेन कंटेन करता है डिज़ायरेबल क्वांटिटी में बी विटामिन, जो ओट्स होता है, देयर आर द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बीटा ग्लूकेंस लोकेटेड इन थिकेंड लेयर बिलो द एल्यूरॉन लेयर। देखिए यहाँ पे इसका समझिए, इसका थेरेप्यूटिक इंपॉर्टेंस बहुत है ओट्स का। इसको हम डायबिटिक पेशेंट को और हार्ट डिजीज़ के पेशेंट को, या जिसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उसको हम देते हैं, क्योंकि इसमें इसका ये सिग्निफिकेंट जो थेरेप्यूटिक इंपॉर्टेंस है उसका, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट अमाउंट में बीटा ग्लूकेंस पाया जाता है, और बीटा ग्लूकेंस जो होता है वो कहाँ पे होता है, एल्यूरॉन की जो थिकेंड लेयर होती है वहाँ पर बीटा ग्लूकेंस होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बीटा ग्लूकेंस का क्या रोल होता है। ओट्स प्रोडक्ट जैसे कि ओट्स ब्रान है, रिच होता है सॉल्युबल डाइट्री फाइबर्स में विच आर रिड्यूस्ड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, डाइट्री फाइबर में रिच होता है, तो आप ये तो हम जानते ही हैं कि जो चीज़ें फाइबर में रिच होती हैं वो डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, इन सारी चीज़ों को कम करने में हेल्प करती हैं। देखिए ओट्स जो होता है वो कंटेन करता है सॉल्युबल फाइबर जैसे कि बीटा ग्लूकेंस,
अब ये कैसे करेगा, चिलेट कर लेता है बाइल एसिड्स को एंड स्टेरॉयड मटेरियल एंड एक्सक्रीटेड बाय द बॉडी और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में भी रिड्यूस। तो जनरली क्या करेगा, ये बाइल एसिड और स्टेरॉयड मटेरियल को चिलेट कर देगा और बॉडी से बाहर कर देगा, है ना। जो जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हम बाहर से कोलेस्ट्रॉल नहीं खाते हैं लेकिन हमारी बॉडी इट्सेल्फ कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस ज़्यादा करने लगती है, तो उस टाइम पर क्या करें, स्टेरॉयड, हमारी बॉडी ने स्टेरॉयड ज़्यादा बनाना स्टार्ट किया। तो अगर हम ओट्स वगैरह लेते हैं जिसमें कि बीटा ग्लूकेंस होता है, तो ये क्या करता है, एक्स्ट्रा जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है बाइल एसिड या फिर स्टेरॉयड हार्मोन, उसको हमारी बॉडी से बाहर कर देता है, और इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल का लेवल, जब बाइल एसिड नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। देखिए, द बीटा ग्लूकेंस विच फॉर्म्स विस्कस डाइटरी फाइबर रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम हाइड्रोलाइसिस एंड स्लो द रेट एट विच द ग्लूकोज एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड दस ओट्स हैव लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि बीटा ग्लूकेंस का एक ये भी रोल है कि ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं ब्लड में उनको जाने की जो रेट है उसको भी रिड्यूस करता है, तो डायबिटीज़ का जो लेवल है या ग्लूकोज का जो लेवल है हमारे ब्लड में वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं राई और बार्ले के। राई देखिए, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप होता है, ईस्टर्न यूरोप का इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है ये। राई क्रॉप इज़ ग्रोन इन इंडिया ओवर अ वेरी लिमिटेड एरिया इन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन एरिया। तो इंडिया में बहुत ही लिमिटेड एरिया में राई का प्रोडक्शन होता है, वो भी जनरली नॉर्थ वेस्ट और हिमालयन एरिया में हम करते हैं। 11% मॉइस्चर, 71.2% कार्बोहाइड्रेट, 12.1% प्रोटीन और 1.7% फैट, 2% फाइबर एंड 1.8% एस जो है ये कॉम्पोजिशन होता है किसका, राई का। बार्ले की बात अगर हम करें तो इन इंडिया बार्ले आई ग्रोन, बार्ले ग्रोन होगा, यहाँ पे आई नहीं होगा, बार्ले ग्रोन इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री। कॉम्पोजिशन देख लीजिए बार्ले का क्या है, 12.5% मॉइस्चर होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो यहाँ पे आई नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो 69.3%, प्रोटीन 11.5%, लिपिड 1.3%, मिनरल जो है वो 1.5% और फाइबर जो है वो 3.9% जो है वो पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने स्पेसिफिक सीरियल्स की बात की है, इसके आगे हम बात करेंगे मिलेट्स की, लेकिन अभी हम इसको वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। सो गाइज, आपको कैसा लगा वीडियो, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।